सबसे पहले जो हम लोगों का काम था वो बिल्डर फ्लोर्स का काम था जो हुड्डा सेक्टर में, हाँ हुड्डा सेक्टर में सुशांत लोक वन में डीएलएफ में सबसे पहले बिल्डर फ्लोर्स का काम था। वहाँ पे बहुत बड़े चैलेंजेस थे काम करने में, क्योंकि बिल्डर फ्लोर का काम करने में ना हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। बिल्कुल, काफ़ी यूट्यूबर हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बताते भी हैं, सीखते, यहाँ तक कि मैं भी ज़्यादातर यूट्यूब से भी सीखता हूँ। वो कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपसे भी सीखता हूँ, अदर यूट्यूबर पे जो भाई हैं उनसे भी सीखता हूँ। सीखना कोई बुरी बात थोड़ी ना, सीखना और सीख के इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तो सुमित भाई कितने बच्चे हैं आपके? भाई मेरे दो बच्चे हैं, गुड़िया हैं और एक लड़का है। आपको बच्चों को सेटल करना हो तो आप कौन सी सिटी चाहोगे सेट हो जाए? मेरा मेन प्लान है कि देखो मैं खुद गुड़गांव से बाहर जाना चाह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अरविंद भाई, अरविंद डागर, जिनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से। आज भाई से हम बहुत कुछ जानेंगे रियल स्टेट के बारे में और इनका रिव्यू भी लेंगे रियल स्टेट के बारे में। तो अरविंद भाई आपका वेलकम है हमारे चैनल पे, और हमारे व्यूवर्स को थोड़ी रियल स्टेट के बारे में, गुड़गांव रियल स्टेट के बारे में थोड़ा अपना क्या ओपिनियन है उसके बारे में बताइए, और उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। सुमित भाई बहुत बहुत सौभाग्य है, भाई ने मुझे बुलाया, बहुत पुराना भाईचारा है हम लोगों का, सुमित भाई का और मेरा, तो इन लोगों को देख के ही मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था। तो भाई उस टाइम बहुत अग्रेसिवली वीडियो बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, कंटेंट आपका मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीज़ों को लेके। तो मेरी जर्नी सुमित भाई 2013 से है, 12 के एंड से मैं कर रहा हूँ रियल स्टेट में काम, तो उससे और आज तक रियल स्टेट करता आया हूँ, और मैंने भगवान की दुआ से लोगों का आशीर्वाद रहा, भाइयों का साथ रहा, तो मैंने ना ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स में काम किया है। कोई लोग करते हैं सिर्फ हाई राइज में किया, किसी ने सिर्फ अफोर्डेबल में काम किया, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैंने हमेशा जो काम किया है वो सारे सेगमेंट्स में किया है, चाहे SEO हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, चाहे वो हाई राइज हो। तो क्लाइंट्स का साथ, आप लोगों का साथ मिलता रहा, और हमने हमेशा सारे सेगमेंट्स को साथ लेके चले हैं हम लोग। सबसे पहले आपका कौन सा सेगमेंट था, आपने कहाँ? सबसे पहले जो हम लोगों का काम था वो बिल्डर फ्लोर्स का काम था जो हुड्डा सेक्टर में, हाँ हुड्डा सेक्टर में सुशांत लोक वन में डीएलएफ में सबसे पहले बिल्डर फ्लोर्स का काम था। वहाँ पे बहुत बड़े चैलेंजेस थे काम करने में, क्योंकि बिल्डर फ्लोर का काम करने में ना हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना, वहाँ पे लीकेज बहुत ज़्यादा है। कोई भी रियल स्टेट का काम करना चाहता है तो उसके लिए प्राइमरी जो लोगों को लगता है उस एरिया से, क्या भाई मैं शुरू कर दूं बिल्डर फ्लोर से, वो दिखा, एक तो ना हाई राइजेस में रीसेल आसान नहीं होती, फिर सब लोगों को जैसे आपको या हमें कहीं ना कहीं पे फाइट आती है न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट करने में, ठीक है, तो ये लगता है क्या कैसे ना कैसे पैसा अर्न किया जाए। तो रेंटल का काम और ये फ्लोर्स का काम, क्योंकि फ्लोर दिखाना आसान है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, हाई राइज में मेल लगती है, सो चीजें लगती है, कंस्ट्रक्शन भी जल्दी हो जाती है, कंस्ट्रक्शन भी जल्दी हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है एक्सेसिबिलिटी है, आपने बिल्डर को फोन मारा, क्लाइंट आया, आपने दिखा दिया, हाई राइज में ऐसा नहीं है, मतलब सोसाइटी में मेल डलवाओ, बहुत सारी चीजें होती है, वो करो, उसके बाद फिर आपको परमिशन मिलती है। तो सबसे अच्छा सेगमेंट है काम करने का स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मेरी जो जर्नी रही, मैंने 60 स्क्वायर यार्ड की बिल्डअप बिल्डिंग्स काफी बेची, फिर उसके बाद धीरे धीरे हाई राइज रीसेल किया, फिर रीसेल में चीजें करते गए, प्लॉट्स वगैरह, दीनदयाल प्लॉट्स बहुत के, और अब भी मैं ऑलमोस्ट हर एक कैटर करता हूँ चीजों को, और साथ साथ कोशिश करता हूँ। अब मैंने एक नया मॉडल भी शुरू किया है, शायद आपको भी पता हो, कंसल्टेशन का। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जिसको प्रॉपर्टी नहीं लेनी, ठीक है, जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी ले, बट आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में जानना जरूरी है। मेरा मानना ये है अरविंद भाई कि रियल स्टेट है ना एक, जैसे हम स्टडी करते हैं किसी प्रकार की, कोई सब्जेक्ट होता है तो वो भी एक स्टडी टाइप में होता है, तो रियल स्टेट भी एक स्टडी है, इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल स्टेट के अंदर भी बहुत सारे टाइप आते हैं। जरूरी नहीं कि आज आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, कल भी खरीदोगे या फिर उस, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, और इस दिशा में हम लोग
मैं हाथ मानता हूँ सभी यूट्यूबर्स भाइयों का, कुछ कुछ को छोड़ के सब लोगों का अच्छा हाथ रहा है, लोगों को समझाने की सिखाने की कोशिश की गई है लोगों को। और ना साथ साथ में मैं अभी एक पॉडकास्ट कर रहा था, आप और मैं लोगों को सिखाते हैं, तो लोग कुछ सीखना चाहते हैं कुछ नहीं सीखना चाहते, तो मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज भी शुरू किया था। उस पॉडकास्ट में मैंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें फ्रैक्शनल ओनरशिप और बहुत सारी हम लोगों ने बात की, तो ना उसमें दो तीन कमेंट आ रखे थे, क्या अगर आप लोग जर्नलाइज बात करते हो, जर्नलाइज ही सिखाना चाहते हो तो कमरे में बैठ के करो, पॉडकास्ट स्टूडियो को भी क्यों खर्चा है। तो कुछ लोगों का इस टाइप का माइंडसेट आज के टाइम में, देखो हर प्रकार के लोग होते हैं, कोई अच्छाई के साथ होता है तो कोई बुराई के भी साथ होता है, ये तो डिफरेंट तरीके से चलते रहते हैं। वैसे रियल स्टेट भी है, क्योंकि रियल स्टेट में भी एक जैसा कस्टमर नहीं होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी को किसी तरीके से बात सुनना अच्छा लगता है। ऐसे मेरे पास भी काफी कमेंट आते हैं ऐसे कि भाई आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, देखो हम अपने मन से अच्छा कर रहे हैं। काफी यूट्यूबर हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बताते भी हैं, सीखते, यहाँ तक कि मैं भी ज्यादातर यूट्यूब से भी सीखता हूँ। वो कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपसे भी सीखता हूँ, अदर यूट्यूबर पे जो भाई हैं उनसे भी सीखता हूँ। सीखना कोई बुरी बात थोड़ी ना, सीखना और सीख के इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। और अगर हम लोग सीख के और कुछ उन चीजों को कर रहे हैं या अपग्रेड कर, आज हम लोगों ने ना गुड़गांव रियल स्टेट को आज से 4 साल पहले देख लेते आप, आज 4 साल बाद हम लोग इस स्टेज पे ला चुके हैं गुड़गांव रियल स्टेट को। क्या मुंबई से हम लोगों की चर्चा होती है, अभी आपने देखा होगा हम लोगों के यहीं से ही ये मिलियन डॉलर लिस्टिंग है, है ना, हमारे गुड़गांव से ही, ठीक है, गुड़गांव के या साउथ दिल्ली के एक दो उसमें कंसल्टेंट है और गुड़गांव के मोस्टली है, यहीं के अपार्टमेंट है, यहीं की सारी चीजें हैं, तो हम उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं आज जहां पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन गुड़गांव बट पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुड़गांव रियल स्टेट के आदमी। तो ये ना ऑडियंस के ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा, वो कंटेंट किस टाइप का चाहते हैं, बिल्कुल उनको लाइसेंस स्टडी कैसे करना है वो जानना है, रेरा कैसे करना है वो जानना है, प्रोजेक्ट पुराने कैसे थे, लैंड प्रोक्योरमेंट और बहुत सी चीजें हैं, सप्लाई है, डिमांड है चीजों की, तो कैसे कैसे देखनी है, ओवरहेड चार्जेस कैसे देखना है, तो ये चीजें सिखाने के लिए हम हैं, जो सीख लेगा बहुत बढ़िया है। जैसे सप्लाई की आपने बात की, तो अभी आप रियल स्टेट मार्केट में ऐसा क्या, मतलब की सप्लाई की रिगार्डिंग में आपकी ओपिनियन क्या है कि भाई कल को किस टाइप की सप्लाई सबसे ज्यादा होगी? भाई आज के डेट में देखो ना आप, तो मार्केट में जो ओवर लेवरेज प्रोजेक्ट नहीं खरीद रहा, ठीक है, सबसे पहले ओवर लेवरेज कहने का मतलब ये है क्या, अगर बीच में एक ट्रेंड आया था हाई स्ट्रीट मार्केट का, आपने देखा होगा, बिल्कुल, तो जब हाई स्ट्रीट मार्केट बिकने लगी ना, तो लोगों ने अंधे माथे खरीदा उसको, हाई स्ट्रीट को, ठीक है। आज की डेट में हाल ये है कि लोग गुड़गांव के लोग अगर हाई स्ट्रीट को एक कमर्शियल आ गया तो उसके नाम से भी दूर भाग जाते क्योंकि खाली पड़े हैं, खाली पड़े, उसका रीजन ये है कि उन्होंने सही सिलेक्शन नहीं की, बिल्कुल। उसमें ये मैंने देखा जितने भी हाई स्ट्रीट थे सारे एसओडी रिटर्न पर थे सारे। यार देखो जो तरीके का क्लाइंट होगा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा, ठीक है, और जो स्मार्ट कंसल्टेंट भी होगा, वो कभी भी अशॉर्ट रिटर्न के ऊपर जाता ही नहीं जाता, वो सिर्फ एनपीवी के ऊपर जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, बिल्कुल उसके ऊपर जाता है सिर्फ। तो अगर भाई इसमें एक चीज और मैंने देखी थी कि जो रीसेल मतलब कमर्शियल के अंदर वो चला है जिसकी लीजिंग पावर डेवलपर के पास थी, कोई भी उठा के देख लो, उसमें लीजिंग पावर डेवलपर के पास थी वो चला है, प्लस प्लस में इन्वेस्टर को एनपीवी देखना चाहिए शॉर्ट रिटर्न की बजाय, ठीक है, साथ साथ में उसका कंसल्टेंट ऐसा होना चाहिए उसको पता हो कि मैं दिला क्या रहा हूँ, राइट, ठीक है, अपने पैसे ना देख के दूसरे का थोड़ा सा पैसे का हित रखे। तो ऐसे ही ना हम लोगों को सप्लाई देखनी है, आज हम 2024 में बैठे हैं, आज हमने ये देखना है कि 2024 में कितनी सप्लाई किस चीज की है, बिल्कुल, उंगली पे आज मैं किसके साथ बैठा था तो हम गिन रहे थे उंगली पे मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से 4,000 से 5,000 यूनिट्स की सप्लाई आने वाली है 2024 में, जहां तक मुझे लगता है। तो इतनी खपत तो गुड़गांव की ओनली है, दिल्ली का भी कस्टमर है, ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर जो माइग्रेट होके आ रहे हैं वो भी कस्टमर्स हैं, तो उनका क्या होगा। तो आज की डेट में लोगों का ना एक अहम सा बन गया, जो लोग नहीं ले पाए ना, ठीक है, आप उसको जस्टिफाई करोगे कि आप प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, वो जस्टिफाई होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे, आप उनको सप्लाई समझाओगे
तो कहेंगे यार रेट ओवर है, ठीक है, जबकि आज सप्लाई ही नहीं है मार्केट में, जब चीज लैंड की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, बिल्डर ला नहीं रहा, सप्लाई नहीं है 2024 में, ठीक है, तो आज जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो कब मिलेगा? हाई राइज प्रोडक्ट आज जो लॉन्च हो रहा है वो प्रोडक्ट 5 से 6 साल बाद मिलेगा, 6 साल का तो रह रहा हमें टाइम है, बिल्कुल 4 साल कह के उठा लो कोई भी प्रोडक्ट, पर मिलना 6 साल में ही है उस प्रोडक्ट को। अब जो आज 2024 में हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, वो 2030 में मिलने वाला है, मिलेगा तो 2030 की सप्लाई काउंट करो, अब 2030 में रेडी टू मूव खरीदने आएगा कोई भी उसे, ये एंड यूजर तो उस टाइप में देख के चीजें लेगा। अब सप्लाई इसके तो 2031 में आने वाली है सारी, 2030 में 2031 में, ठीक है, अगर आप इसी टाइप से सेगमेंटेड देखोगे, अब दीनदयाल के फ्लोर्स हैं, ठीक है, दीनदयाल के प्लॉट्स हैं, प्लॉट कितने हैं गुड़गांव में, मुट्ठी भर प्लॉट्स हैं, आज आप साइट गिनोगे तो 10 साइट गिन पाओगे गुड़गांव में, 10 में से 6 से 7 ऐसी साइट है पूरे गुड़गांव में, बिल्कुल, जिसमें बनना है, और उसमें भी हर एक में बिल्डर ने 20-20, 50-50 फ्लोर ले रखे हैं, पहले लेके बैठे हैं और जैसे बनाने शुरू होंगे रेट बढ़ेंगे। अब लोग ये सोचते हैं यार मैं आज ना लूं, मैं कल ले लूंगा उसको, जब वहां पे फ्लोर बनने शुरू हो गए तो रेट ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, कल लेने का सेंस क्या है? हाँ, क्योंकि प्लॉट के का कोई प्रोजेक्ट होता है, जब वहाँ एक मकान बनता है उसको देख के दूसरे बनाने लगते हैं, बस वेट ये होता है कि कोई एक तो बनाए। हाँ। वैसे अब देखो दीनदयाल के अंदर आप सोना मार्केट को देखो, सोना मार्केट में 1 करोड़ से नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ की 1.5 में भी नहीं मिलती, नहीं मिलता फ्लोर। तो गुड़गांव में कोई प्लॉट के अंदर, दीनदयाल के अंदर अगर कोई डेवलपर भी बना के देगा तो मोटा मोटा 2-2.5 करोड़ का हो गया। तो आज भी अगर लग्जरी देखोगे जो हाई राइज आ रहे हैं वो भी 2 करोड़ प्लस ही आ रहे हैं, तो दोनों का अगर देखा जाए तो आज आम आदमी फंस जाता है इन चीजों में। तो यार प्रॉब्लम ये है, आम आदमी के ना अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है सुमित भाई, आम आदमी वो भी है जिसकी जिम में 1 करोड़ रुपए है, अब ना मिडिल क्लास भी सेगमेंटेड हो चुका, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अफोर्डेबल रह गया, और हायर मिडिल क्लास वो हो गया मिडिल क्लास भी, है ना। आज ये नहीं है कि जिसके पास 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए वो मिडिल क्लास नहीं है, वो लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल, जिसके पास 2-3 करोड़ रुपए है वो अपर मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास जिसके पास 4-5 करोड़ रुपए है या लिवरेज है क्या भाई जो जनरेट कर सकता है वो हो गया। तो ना मिडिल क्लास की भी अलग अलग परिभाषा है, है ना, आज या जिसके पास 10 करोड़ रुपए है, ठीक है, और जो गुड़गांव में है वो मिडिल क्लास है, बिल्कुल, वो रिच नहीं है, रिच वाला 100 करोड़ का कैमेलियस खरीद सकता है भाई, वो रिच क्लास है, है ना, तो उसको रिच बॉयज क्लब बोलते हैं। ये कोई 10 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ वाला, हम मिडिल क्लास है यार, हम मिडिल क्लास है, अगर मैं 2 करोड़ 3 करोड़ का अपार्टमेंट ले सकता हूँ, मिडिल क्लास हूँ। तो आम आदमी की, अब रही आम आदमी जिसकी जॉब स्टार्ट हुई है, जो कुछ हुई है यार, उसको तो अभी लेना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, एटलीस्ट यू हैव टू सेटल, ठीक है, आपको सेटल होना है फिर उसके बाद लेना है, उसके बाद लो आराम से, क्या जल्दी है, ठीक है, 1-2 साल लगाओ गुड़गांव में, आपकी शिफ्टिंग नहीं हो रही कहीं पे, आपके ट्रांसफर नहीं हो रही, आप माइग्रेट नहीं होके जा रहे हैं यहाँ से, तो आप प्लान करो उसके अकॉर्डिंग अपना। बस हाँ, जिनके दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं जॉब करने के लिए, रोहतक भिवानी हिसार, वो सारी जनता आज के टाइम में ले रही है, और सब अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बेचते हैं और थोड़ा पैसा मिलाते हैं ले लेते हैं। तो अरविंद भाई, एक राय और आपकी हम जानना चाहते हैं कि जैसे लग्जरी कंसर्ट पहले बिकता था भाई, रातों रात लाइन लग के भी बिक जाते थे, यूनिट भी नहीं मिलते थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहे हैं? प्रोडक्ट में टाइम मिलता है, प्रॉपर सेलेक्ट कर रहे, करने को भी मिलते हैं यूनिट है, लेकिन तब भी नहीं बिक पा रहे यार। इसमें ना बिल्डर्स की गलती है सुमित भाई, बहुत बड़ी, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है ना, प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं हुई कुछ चीजों को लेके, और ये यहाँ पे मैं एग्री नहीं करता कि प्रोडक्ट नहीं बिकता। आपके सामने 69 में प्रोडक्ट आया था, वो बिक गया था, ठीक है, अब एक और प्रोडक्ट आ रहा है 62 में, जो 50,000 रुपए की ईएमआई ले रहा है। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी का फेवरेट हूँ, ना कोई मेरा सगा, ना मैं किसी का सगा, बिल्कुल, जो चीज होंगी वो बोल लूंगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपके पॉडकास्ट में देके जा रहा हूँ, शायद उसके बाद आप रिलीज करो, एडिट हो गया, उससे पहले करो, वो प्रोडक्ट 110% सोल्ड आउट होगा। बिल्डर ने मार्केट रिसर्च करके किया है, बिल्कुल, प्रोडक्ट को जो मार्केट रिसर्च करके, बिना मार्केट रिसर्च के रेट लाएगा, चीजें लाएगा, कंसेप्ट लाएगा, टिकट साइज लाएगा, उसका नहीं बिकेगा, बिल्कुल। उससे पहले 36 में प्रोडक्ट आया था भाई, वो नहीं बिका क्या? बिका ना, बिल्कुल। अब रीजन ये है क्या ना, तुम्हारी लैंड प्रोक्योरमेंट पहले की है, ठीक है, तुम्हारे को लैंड पड़ी हुई है 6,000 रुपए के भाव से, पर स्क्वायर फीट के भाव से, अब तुम उस लैंड को 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव से बेचोगे तो नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा।
तो वो वाला चीजें हैं। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, एक्सटेंशन पे भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उसी चीज के लिए तो हम हैं। यही चीजें बताने के लिए, जानने के लिए तो हम लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, हम लोग पर्सनल भी कंसल्टेशन लेते हैं, सारी चीजें। वैसे कस्टमर इज कंफ्यूज है इस टाइम कि भाई किस में हाथ लगाया जाए, कि भाई वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। आप कस्टमर को वैलिडेशन तो दे ही नहीं सकते किसी भी चीज की, जिसने नहीं लिया उसको तो वैलिडेशन बिल्कुल नहीं मिल सकती। हाँ, जो एग्रीड है, आज मेरे पास कल कोई आया था अपार्टमेंट देखने, ठीक है, वो आज से 6 महीने पहले देख रहे थे, तो उनका 4 करोड़ रुपए का बजट था 4 बेडरूम के लिए, ठीक है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए उनको, उन्होंने खींच के अपना बजट 5.5-6 करोड़ कर लिया, और करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, नहीं है, ठीक है। आप ये बताओ, आज एक्सटेंशन रोड पे कोई जो नए लॉन्च आए थे, 3-4 नए लॉन्च थे, ठीक है, वो सारे सोल्ड आउट हुए हैं अच्छी तरह। अब बिल्डर 2 टावर बेच के अपना, और तीसरे टावर में जब 75 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बढ़ा देगा, तीसरे टावर तो आराम से बिकेगा ना। इट मीन्स बिल्डर अपना रेट रिवाइज कर रहा है, बिल्डर्स आराम से बेचना चाह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है क्लाइंट ने नहीं लिया, क्लाइंट ने तो 2 टावर तो खड़े खड़े खरीद लिए थे, अब तीसरे टावर में तो टाइम लगेगा, उसमें क्या बात है। अब हम लोगों को समझ नहीं गया है, हम लोगों को ये समझना है कि हम लोगों को टिकट साइज हमारे क्लाइंट को सूट क्या करता है, क्या करता है, ठीक है। एक अपार्टमेंट 2200-2300 स्क्वायर फीट का है 3 बेडरूम, एक 2800 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम, ये जानना बहुत जरूरी है कि उसको 2200 या 2800 किस में जाना है, किस में जाना, माइक्रो मार्केट किस में जाना है। कहीं आप ऐसी माइक्रो मार्केट में तो नहीं जा रहे जहां पे ट्रेंड ही नहीं है 4000 स्क्वायर फीट का, और आपने वो 4000 स्क्वायर फीट खरीद लिया तो आपके गले में घंटी बंधी हुई है, बिल्कुल, जैसे बिल्ली के गले में घंटी बंधी हुई है। बड़े अपार्टमेंट थोड़े कम, वापिस से छोटा सेगमेंट आ गया है, पहले 3000 कम से अभी लास्ट 5-6 महीने जैसे बीते हैं तो 3000+ ही सारी इन्वेंट्री आई है। अब आने लगा है कि 1500+ का साइज देखने को मिलता है। यार हम लोगों ने तो चिल्ला चिल्ला के चैनलों पे कहा है क्या भाई, बिल्डर छोटे साइज ले आओ, ले आओ, तुम्हारे बिक जाएंगे, लोगों की जेब में आ जाएगा, बिक जाएगा। पर बिल्डर की भी गलती नहीं थी, जब सब बिक रहा था तो बिल्डर ये कहता है यार हर एक आदमी ना ये फेस 1 से फेस 4 फिर ये आर्बर से कंपेयर करने लगता है अपने आप को, पर वो कंपेयर नहीं हो सकता। जिस टाइप का वो इकोसिस्टम बना के देते हैं, वो इकोसिस्टम हर एक नहीं बना सकता। तो वो कहते हैं यार मैं तो 3200 स्क्वायर फीट 4000 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम लाऊंगा, तो हर एक में नहीं आती है एक्सेप्टेबिलिटी। इसमें अरविंद भाई उस टाइम क्या था कि एक तो जैसे कोविड खत्म हुआ, तो कोविड में जब लोग रहे थे ना घर पे, तो सबको पता चल गया कि भाई मकान होना बहुत जरूरी है, और वो भी बड़े साइज का, भाई वहीं पे वर्किंग हो रही है, वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे बच्चे हैं, तो ये चीजें लोगों को भी समझ में आई कि घर का स्पेस हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो डेवलपरों ने उसका जो इम्प्लीमेंट किया, ये बड़े साइज आने का रीजन भी ये था। दूसरी छोटे जो 1 से 1.5 करोड़ तक के जो बायर थे उनके लिए वो कंसेप्ट आ गया था दीनदयाल का, तब दीनदयाल चालू थी। अब दीनदयाल के अंदर प्लॉट नहीं मिलते, फ्लोर हैं वो भी 1.5-2 करोड़ के आसपास के मिलते हैं, तो धीरे धीरे डेवलपरों ने भी खूब पैसा कमाया है इससे कि भाई बड़े साइज लाओ, तुरंत बेच के साइड हो जाओ, है ना। उसके बाद फिर जैसे ही ये मार्केट करेक्ट हुई है दोबारा से, फिर से वही छोटा, क्योंकि छोटा प्रोडक्ट तो बाजार में है ही नहीं, दीनदयाल ऑलरेडी बंद है, छोटी टिकट आ नहीं रहा, उससे छोटा है तो सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। दीनदयाल के अंदर भी अगर आप रीसेल में कोई फ्लोर लेने जाते हैं तो वो 2-2.5 करोड़ का मिलता है, क्योंकि डेवलपरों ने वहाँ पे फ्लोर बना रहे हैं। जैसे दिल्ली से जो प्राइवेट डेवलपर आए, वो आए हुड्डा सेक्टरों के अंदर, हुड्डा सेक्टरों के अंदर प्लॉट नहीं है, अब वो क्या करें, वो दीनदयाल प्लॉट को खरीद रहे हैं, तो वही सेम सेगमेंट वहाँ खड़ा हो जाएगा। अब ये ना छोटा दीनदयाल प्लॉट में ना बिल्डरों को खरीदने में मजबूरी होगी। अब आप HSBP के प्लॉटों में चले जाओ, अब वहाँ पे परमिशन नहीं मिलती, NOC नहीं मिलती, कोई साथ वाला नहीं देता, इधर नहीं देता, दीनदयाल में सब में तो कहते यार दीनदयाल प्लॉट खरीद लो, ठीक है। और ना बड़े साइजेस के पीछे ना सिर्फ और सिर्फ बिल्डर का लालच नहीं था, इसमें ना और भी चीजें थी। सपोज करो हर एक आदमी आज पढ़ा लिखा, वो कहता है यार मैं ना डेंसिटी का ना मैं नहीं खरीदूंगा 110-120 डेंसिटी का प्रोडक्ट। वो कहते हैं यार ठीक है तुम 110-120 डेंसिटी का नहीं खरीदोगे, मैं 1500 के बजे 3000 का अपार्टमेंट कर देता हूँ, डेंसिटी आ गई 60 की, अब खरीद लो भाई, खरीद लो। अब पुराने प्रोजेक्टों में आप देखोगे तो आपको 6-6, 7-7, 8-8 टावर मिलते थे, बट उनकी हाइट होती थी 12-13 तक मैक्सिमम होती थी, बट अपार्टमेंट बहुत ज्यादा होते थे, उसको सस्ते बेचने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका लैंड खर्चा सारा कॉस्ट वोस्ट सब निकल जाती थी। अब उसको सारी चीजें अच्छी माइवन भी देनी है, उसको अच्छी फैसिलिटी भी देनी है, तो साइज भी बढ़ाएगा तो चार्ज तो लेगा, जनरल सी बात है, तो वो चीजें बना नहीं पाएगा।
मैंने एक प्रोजेक्ट को देखो, मेरा ना उसूल है, मैं हफ्ते में 2 दिन मार्केटिंग जरूर करता हूँ। मार्केटिंग मतलब मैं मार्केट रिसर्च जरूर करता हूँ। मैं ना बेकार से बेकार बिल्डर के पास जाता हूँ, अच्छे से अच्छे बिल्डर के पास जाता हूँ। मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक बिल्डर के पास गया था, उसने अपना 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च किया था प्रोडक्ट 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में, मात्र 8,000 पर स्क्वायर फीट में लोगों ने खरीद लिया प्रोडक्ट। अब वो फेस टू ला रहा है और फेस टू ला रहा है वो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में, बिल्कुल ला रहा है। मैं कहता है यार तुमने लूट लिया जनता को, तुम क्या कर रहे हो? लोग पूछते हैं, मैंने भाई कर क्या रहे हो तुम, इतना रेट क्यों ला रहे हो? कह रहे भाई पहली की लैंड प्रोक्योरमेंट मेरी 5 करोड़ रुपए पर एकड़ थी, आज मैंने लैंड 25 करोड़ रुपए पर एकड़ खरीद दिया। 9,000-8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में लैंड बढ़ रही है, बिल्कुल। मैं कैसे दे दूं 8,000 रुपए में? लोग कह रहे हैं आज क्या भाई रेट बढ़ रहे हैं, हमारी जेब में नहीं आ रहे, आम आदमी की जेब में नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। जब उसकी लैंड प्रोक्योरमेंट 8,000 रुपए वाला कमा रहा है, फिर तो लैंड वाला कमा रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो ये ना बिल्डर को गलत ठहराना ना बहुत जल्दी है, क्योंकि ना क्या होता है हर एक लाइन में ना जब कोई सॉफ्ट टारगेट होता है ना तो उसको टारगेट कर दिया जाता है। आप वीडियो बनाते हो, मैं बनाता हूँ, ठीक है, आगे कमेंट लिखने में वी आर द सॉफ्ट टारगेट है ना, तो वो कोई भी कर सकता है। बट ऐसे ही हम लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट क्या है, ठीक है, हम जनता को कुछ बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते भाई, हमारे व्यूअर्स है, हमें देख रहे हैं, ठीक है, बट मैं फिर भी अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, आज हमारे लिए बिल्डर सॉफ्ट टारगेट है तो हम रख देते हैं, बट क्या क्या नहीं करता बिल्डर ये तो बताओ। अंडर टेबल पैसा भी जाता, सारी ए टू जेड चीजें करता है ना बिल्डर, बिल्कुल, ठीक है। आज ये 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में सोना लॉन्च हो रहा है, लोग इस अपने ऑफिस में बैठ के इस प्रोडक्ट में भी कमी निकाल लेंगे ना, बिल्कुल, और कमी तो होगी हर एक प्रोडक्ट में, कोई भी ना तो मैं साफ सुथरा ना आप, हर एक में 100 में से एक कमी होती है किसी चीज में, ठीक है। अब आप आज लैंड की कॉस्ट निकाल लो उसकी, ठीक है यार, आज कंस्ट्रक्शन अपने घर में बनाते हो, ईंट की चिनाई करते हो, 1,800 रुपए फुट की चिनाई होती है भाई, होती है बिल्कुल, तैयार करके 1,800 रुपए फुट की होती है। बिल्डर ने कॉमन एरिया जोड़ना, लिफ्ट छोड़नी, सो अगड़म बगड़म करनी है, सो चीजें करनी है। आज उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2600-2800 आएगी, ठीक है, अब 1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में भी तुम लैंड नहीं खरीद सकते, मतलब 1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट कितना हो गया, मतलब 450 रुपए गज। अगर तुम 450 रुपए गज भी जमीन नहीं खरीद सकते, जब सोना हो तो तुम नहीं कर सकते, फिर तुम मिडिल क्लास भी नहीं हो, बिल्कुल, ठीक है। वो यार देखो, और वो सबको बताए कि अब आपको पता है कि भाई अगर 400 अपार्टमेंट निकलेंगे 4,000-10,000 एप्लीकेशन आएंगे, बिल्कुल आएंगे 4,000-10,000 एप्लीकेशन। और एक टाइम ऐसा था कि अफोर्डेबल में आज इसमें निकला, दूसरा में भर रखा है, तीसरे में उसमें निकल गया, उसमें कैंसिल कर दो उसमें। आज ये है कि भाई निकल जाए, कैसे करके निकल जाए, आज ये हाल हो रखा है। तो मतलब समय समय की में बहुत बदलाव हुए हैं, तो यानी जो चीज जिस टाइम आप ले रहे हो ना उसको कंटिन्यू करने में ही बेनिफिट मिलता है भाई। वेल्थ जनरेशन ऐसे ही होती है रियल स्टेट में। रियल स्टेट में अगर आपको वेल्थ जनरेशन करनी है तो यू हैव टू होल्ड योर एसेट। अगर आप होल्ड नहीं करोगे उसको, तो आप पैसा तो थोड़ा बहुत निकाल लोगे उससे, पर वेल्थ जनरेशन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एट द एंड आप ऐसी जगह कहीं अटक जाओगे अपने छोटे लालच के चक्कर में, जहां ना पिछला भी चला जाएगा सारा ना। और मैं तो खुलेआम बोलता हूँ भाई वीडियो में, और मैं तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ, आप भी बोलो, जो 20-30-50 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं इनको साफ बोलो क्या भाई आपके लिए कोई भी 2-3 करोड़ की चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। आप हम नहीं, अगर आप चेक देना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, हम नहीं लगवाएंगे। आज तो शायद मैं और आप बुरे लग सकते हैं, ठीक है, बट कल को जो इनका लगवाएगा यार, जो फंस चुके हैं उनको हम देवता लगेंगे कल को, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आज की मार्केट में ये काम लोग कर चुके हैं पहले, और वो लोग आज के समय में फंसे हुए हैं। आज भी भाई मेरे पास फोन है बहुत, मैंने कल एक वीडियो बनाई है और स्पेशल बोला है मेरे पास फोन मत करना, क्योंकि यार आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकता मैं। सही बात, मैं नहीं खा सकता, कोई भी खा रहा है ऐसा, यार पेट भरा हुआ है, मोटा भी हो रहा थोड़ा सा तो पेट भरा हुआ भाई, इतना नहीं करना क्या भाई, हाँ फट जाए अपना, ठीक है, मेहनत की कमाई से बहुत है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या उसमें ना तो लोग जाएं, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, शॉर्ट टर्म में आप ना जाएं, लॉन्ग होराइजन बना के रखें, वेल्थ जनरेशन करनी है, अदरवाइज आपका पास स्टॉक मार्केट है, खेल लो वो, बिल्कुल, वो रिस्क वाला तो अलग प्लेटफॉर्म है। अच्छा अरविंद भाई, इसमें आप क्या आगे के बारे में क्या सोचते हो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट या सोना रियल एस्टेट मार्केट में, कि कुछ टाइम के बाद आगे कहाँ जंप देखने को मिलेगा? यार देखो क्या है ना, अभी उस गुड़गांव धीरे धीरे
लोग जो एस्पिरेशनल सिटी बोलते हैं हम इसको, ये ना बहुत लोगों के बजट में नहीं आएगा. उसके लिए लोगों को, मैं पॉजिटिव हूँ सोना के लिए, मैं पॉजिटिव हूँ मानेसर के लिए, यहाँ पे लोग जाएंगे. बिल्कुल. और फ्यूचर है टायर 2-3 सिटीज का. आप ये कहोगे एक साल डेढ़ साल, मुझे इतने शॉर्ट टर्म में नहीं लगता, पर आप मेरे को लॉन्ग होराइजन दोगे तो मैं कहता हूँ कि लॉन्ग होराइजन में ये दोनों मार्केट्स जो टायर 2 सिटीज हैं वो अच्छा करेंगे. लेकिन सोना के बारे में ज्यादातर लोग ये भी कहते नहीं दूर है दूर है. सर जब बजट में, अच्छा आपने 2013-14 में शायद डील्स की हो, आप उस टाइम मार्केट हो, तो न्यू गुड़गांव कितना दूर लगता था लोगों को? बहुत दूर लगता था. जब तक ये एसपीआर रोड से कनेक्टिविटी नहीं हुई थी इसकी न्यू गुड़गांव की, जब तक लोगों को कन्विंस करना हार्ड होता था कि आप वहां खरीद लो. आज अब डीएलएफ अल्टीमा, डीएलएफ प्राइमस, ठीक है, बेस्ट तक संस्कृत तक रिटर्न नहीं मिले थे उसमें, बाद में मिले थे रिटर्न जब ये न्यू गुड़गांव कनेक्ट हुआ पूरा सीपीआर एसपीआर से. यार एसपीआर पे प्रोडक्ट है, ठीक है, आज से 10 साल पहले लॉन्च हुआ था. प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो गलती से बिल्डर के नाम निकल गए, लेना नहीं चाहता मैं किसी को, अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं करूंगा. तो क्या होता है उस टाइम पे जब तक हमने काम किया 2019 तक, मैंने उसमें बहुत रीसेल किए, सेम रेट बिक रहा था. ठीक है, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग थी अराउंड 9,000 से 10,000 रुपए के आसपास. लोग माथा पकड़ते थे यार मैंने क्या ले लिया. 5 से 6 साल कोई रिटर्न नहीं था. आज वो प्रोडक्ट 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है. बट यार वो पेशेंस तो चाहिए. बिल्कुल चाहिए. तो ये तो जानना ही पड़ेगा आपको. आपको 3 करोड़ से 6 करोड़ करना है तो वेट तो रियल स्टेट में करना पड़ेगा. और ना रियल स्टेट के लिए ना सबसे दुविधा वाली बात क्या है, रेंटल यील्ड कोई कैलकुलेट नहीं करता. सही है ना. ये तो जो आपने जो 10 साल में प्रॉफिट कमा लिया वो तो दुगुना हो गया, पर जो आपकी शुरू से पहले तो प्रॉपर्टी का भाव 2 करोड़ रुपए था, आपका जो रेंट आता था वो आता था 30-40 हजार रुपए. आज वो प्रॉपर्टी हो गई 5.5 करोड़ रुपए की, आज उसका 1 लाख रुपए रेंट है. तो 2-3-4% जो है वो तो रेंट कैलकुलेट करो. जब उसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू गेट अ डिसेंट अमाउंट. बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है. तो ना मेरे को लगता है क्या मार्केट अच्छा करेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है. आज एसपीआर रोड साथ में न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, ये फ्यूचर है गुड़गांव का. एक्सटेंशन रोड सिर्फ एस्टेब्लिश्ड लोग आएंगे आने वाले टाइम में. वहाँ का टेस्ट अलग है, वहाँ का जेंट्री अलग है. वहाँ पे कोई आम आदमी खड़ा हो गया प्रॉपर्टी आज भी नहीं खरीद सकता और कल भी नहीं खरीदेगा. ठीक है, वहाँ पे अपर मिडिल क्लास, ठीक है, जो आज भी अगर आप 4 बेडरूम देखने लो 5-6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए से कम नहीं है कुछ. 6 करोड़ रुपए से कम नहीं है अच्छे प्रोडक्ट. तो आने वाले टाइम में वो 10 करोड़ के होने वाले हैं, सारे होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि क्या सोना की मार्केट भी ऐसी हो जाएगी अरविंद भाई? बिल्कुल होगी. आज गुड़गांव नहीं आता तो फिर क्या नू की तरफ जाना पड़ेगा या फिर मानेसर की प्लस जाना पड़ेगा? देखो ऐसा है, नू के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बट सोना के मार्केट के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि मैं, मेरे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं वहां पे. जब अभी एक बिल्डर की 4,000 एकड़ लैंड है, प्रिक्योरमेंट है, अभी एक बिल्डर ने अपने 100 एकड़ प्लस में फ्लोर्स लॉन्च करे हैं. तो जैसे जैसे बिल्डर आएंगे वहां का रुख बदलेगा. और ये मेरे को पहले ऐसा लगता था पर्सनली, मैंने वीडियो बनाई है अपने करियर के स्टार्टिंग में जब मैं यूट्यूब करता था 2022-21 के आसपास, शायद मैंने बनाई भी है कि टोल का इम्पैक्ट पड़ेगा. बट मुझे नहीं लगता कि टोल का इम्पैक्ट आने वाले अब टाइम पे पड़ रहा है. क्यों नहीं पड़ रहा यार, वो तो न्यू गुड़गांव में भी है. अब जब आपके हुड्डा सिटी सेंटर से जो सीधा रोड जा रही है 60 मीटर सोना को कनेक्ट करेगी तो टोल वैसे ही खत्म हो जाएगा. बिल्कुल है ना. अब उसमें 3-4-5 साल लग सकते हैं. वो ना एक सोना एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो टाइम टेकिंग है, जहाँ पे टाइम लगेगा. अगर आप ये कहो कि वहां पे मैं उसको टाइम नहीं दूंगा, मेरे को तो 6 महीने की इन्वेस्टमेंट है, साल भर की इन्वेस्टमेंट है, तो आप प्लॉट तो ले सकते हो, बट हाई राइज में हो गया, फ्लोर्स में हो गया, इट विल टेक टाइम. आपकी वेल्थ जनरेट होगी मिलेगी, जहां तक मुझे फील होता है. क्योंकि सोना सबसे अच्छा कनेक्टेड है, सोना का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छी, क्योंकि सोना गुड़गांव के साथ टच में है तो इस वजह से. और दूसरा देखो तो आप गुड़गांव के साथ जो जितने भी मेजर रोड आ जाए वो सबसे ज्यादा सोना के साथ कनेक्टेड है. सोना के साथ कनेक्टेड है, मानेसर के साथ भी कनेक्टेड है. तो सोना के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा. हाँ ये कि लोगों का मानना भी है कि भाई जो सोना के रोड हैं वो कब निकलेंगे, देखो वो तो एक प्लानिंग है, आप भी मानते हो इस बात को,
क्योंकि वो तो प्लानिंग के हिसाब से कब क्या डिसीजन लिया। सुमित भाई, ये 2031 का मास्टर प्लान है, ठीक है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट अग्रेसिव काम कर रही है इस बार, होपफुली चीजें बेटर निकल के आएंगी और हम लोग अपने मंचों से लगातार अपनी आवाज उठाते हुए क्लाइंट्स की भी और अपनी भी क्या डेवलपमेंट होने की जरूरत है। बट अगर आप ये देखोगे ना, क्या द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी डेवलपमेंट, मुंबई जैसी द्वारका एक्सप्रेसवे और ये मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी जो डेवलपमेंट है, एक सिटी में 3 से 4 साल के अंदर होना कोई छोटी बात नहीं है। इसको ना लोग ये कहते हैं यार गड्ढे हैं रोड पे, बट इन डेवलपमेंट्स के बाद भूल जाते हैं। आज ना रियल स्टेट कंसल्टेंट जो भी है, यूट्यूबर कोई भी है, उसके पास ना गुड़गांव के कंटेंट को लेके सिर्फ 2 चीजें हैं, ठीक है, पानी भर जाता है, ठीक है, गड्ढे हैं। बट डेवलपमेंट के नाम पे उनको ग्लोबल सिटी भी बोलनी चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पे उनको ये वाला सेगमेंट भी बोलना चाहिए, मुंबई एक्सप्रेस वे बोलना चाहिए, द्वारका एक्सप्रेस, हर एक चीज कंसिडर करनी चाहिए। कंटेंट हमें डिस्कशन करना होगा चीजों को लेके, हमें डिस्कशन करना होगा सीनियर लिविंग पे क्या चीजें हैं, हमें डिस्कशन करना होगा को वर्किंग स्पेसेस का क्या चीज, हमें बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। हम कब तक गड्ढों में डूबे रहेंगे? गाँव के लोग कम है, बल्कि बाहर से आके बसने वाले लोग ज्यादा है, ये ज्यादा है। देखो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, कंपनियां इधर ही है। तो देखो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी टाइम लगता है चीजों को स्टेबिलिट। अब लोग कहते हैं कि गुड़गांव, न्यू गुड़गांव का एरिया है वो दूर भी पड़ता है, मानेसर एरिया में भी आता है, तो वहाँ के रोड भी टूटे फूटे हैं। मैं कहता हूँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू गुड़गांव का हुआ है ना, वो गुड़गांव के किसी एरिया का नहीं है यार। जब हमने ना स्टार्टिंग में देखी, जब मैं तो स्टार्टिंग वहां से करी थी जब मैं धूल में जाता था वाटिका के प्लॉट दिखाने और उसके बाद मैंने ऐसी भी देखी न्यू गुड़गांव की सड़कें, यहाँ की सबसे अच्छी थी वहां पे, वहां बिल्कुल टकाटक बना दिया था, सब कुछ कर दिया था। अब ना जब कंस्ट्रक्शन हुई, बिल्डर्स आए, ट्रक चले और चीजें हुई, टूटती तो जब टूटी, हाँ ये कमी है और इसको दूर करा जाना चाहिए और बिल्कुल दूर होनी चाहिए इस बात से कोई, और वो हम लोग बात उठाते हैं, उठाएंगे भी, बट हम लोगों को ये भी देखना है क्या तुम लोग इतनी बुराई, इतनी चीजें मत करो क्या जो लेने वाला है वो पीछे हट जाए और फिर उसकी चीजें जेब में ना आए। यार 93 में एक प्रोडक्ट था फेस वन, 97 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में हमने बेचा था, आज वो 2.5 करोड़ रुपए में। अब बिल्डर उसको यार 1 करोड़ में तो करेगा नहीं, या बिल्डर उसको 2 करोड़ रुपए में तो करेगा नहीं, नहीं करेगा ना, बल्कि ज्यादा ही लाएगा। होगा क्या अब भाई, बुरे से बुरा क्या करेगा, क्लाइंटों के साथ बुरे से बुरा क्या होगा भाई? ये होगा कि बिल्डर की यूनिट नहीं बिकेगी, वो कहता है आई एम हैप्पी भाई, जहाँ वो 1 करोड़ रुपए में 100 फ्लैट बेच रहा था, बिल्कुल ठीक है, वहां पे वो 1 करोड़ रुपए में 50 फ्लैट बेच रहा है, उसकी कॉस्टिंग नहीं, वो 50 फ्लैट बाद में बेच रहा, 50 फ्लैट बाद में बेच लगा मत की तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो बिल्डर लेके नीचे आ जाएगा चीजों को, या कोई भी एक्स वाई जेड, एक सिंगल बिल्डर नहीं, ऐसा ही है सबका। तो मेरे को ये जो ट्रेंड्स है ना वो इसी हिसाब से सेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं सुमित भाई। टायर टू सिटीज का बहुत अच्छा फ्यूचर है और हमारे पास जनता को सिखाने के लिए आपने पॉडकास्ट शुरू किया, मैं ठीक है, मेरा खुद प्लान है कि मैं सोना साइड सभी लोगों को, क्योंकि सोना का इंफ्रास्ट्रक्चर में सच में ऐसा बता रहा हूँ, पहले गड्ढे की बात करूंगा, छोटी सी सिटी है, आप कंटेंट शुरू करें, थोड़े से सेक्टर है, 70% आदमी के पास कंटेंट के बाद देखोगे तो ज्यादातर तो इंडस्ट्रियल, मैं अश्योरेंस देता हूँ आपको, उसके बाद सोना का जो गांव वाले जो रेजिडेंशियल चीजें है इसके पास देखोगे तो एक साइड पहाड़ियां हैं, दूसरी साइड भी पहाड़ियां हैं, सब गुड़गांव के पानी में जैसे फैलता गया ना, सारे यही है, पता भी सबको रहता है कि सोना का ऐसे होना, लेकिन एक्चुअल जहां बोलना चाहिए वहां अंदर एजुकेशन भी है ना, सब ये चाह रहे हैं कि मैं क्यों किसी की बुराई, सोना से भी मेरे क्या दर्द रखा, बच्चे जॉब करेंगे आएंगे, मैं अपना काम क्या बता भाई, बच्चे साथ रहे क्या बता, यही सोच में चले जाए, दो आने वाला फ्यूचर है, तो मैं कहने का मतलब ये है, दो बच्चे हैं, गुड़िया भी सेट हो रहे हैं, एक लड़का है, तो है गुड़गांव का बड़ा लड़का, बेटी बड़ी है, वही मैं चाह रहा था, चाहे आपका बेटी हो बेटा हो, आप बिल्कुल याद रखिए, बताओ आपको बच्चों को सेटल करना हो तो आप कौन सी सिटी चाहोगे सेट हो जाए? भाई मैं ये चाहूंगा कि बच्चों को अच्छा तो इन्वायरमेंट हो, अच्छे एजुकेशन हो, आसपास हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यही फ्यूचर है, क्योंकि बच्चों को भी तो अपग्रेड करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे जो देखेंगे वही चीजें सीखेंगे, तो उसी हिसाब का जो इन्वायरमेंट, जैसे हम कौन चाहता है कि अपने बच्चों को किसी अच्छी एजुकेशन ना दे, अच्छे रहन सहन ना दे, हर कोई चाहता है। तो मेरा मेन प्लान है कि देखो मैं खुद गुड़गांव से बाहर जाना चाह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मेरा खुद प्लान है कि मैं सोना साइड सेट हो जाऊं, क्योंकि सोना का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं सच में ही ऐसा बता रहा हूँ
सोना छोटी सी सिटी है, आप भी मानते हो, थोड़े से सेक्टर हैं जो रेजिडेंशियल है, उसके बाद आप देखोगे तो ज्यादातर तो इंडस्ट्रियल जोन है। और सोहना का जो गुड़गांव वाले जो रेजिडेंशियल एरिया है, इसके पास देखोगे तो एक साइड पहाड़ियां हैं, दूसरी साइड भी पहाड़ियां हैं। तो गुड़गांव जैसे फैलता गया ना, सेक्टर बनाते गए, मुझे नहीं लगता कि सोना का ऐसा फैलाव होगा। सोना के अंदर एजुकेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है। तो सोना से भी जब बच्चे जॉब करेंगे, आएंगे मल्टीनेशनल में, तो यही काम करने का, क्या पता भाई बच्चे साथ रहे, क्या पता बाहर देशों में चले जाएं, लोगों को आने वाला फ्यूचर है। तो मैं कहने का मतलब ये है, अगर आप सोना भी सेट हो रहे हैं तो है गुड़गांव से कनेक्टेड एक चीज, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो भाई वही मैं कह रहा था, क्या बच्चे भी कल को जब अच्छे एजुकेशन होगी, ये मेरा पूछने का मकसद मेन ये था। मेरे काफी क्लाइंट्स जिनको मैंने क्रेस्ट दिया था या और कोई गोल्फ कोर्स रोड का दिया, एक्सटेंशन रोड का प्रोडक्ट दिया, उनकी ना आज दिल्ली एक सिटी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। बट जब आज दिल्ली के लोग आते हैं यहाँ पे, सबसे प्राइम चीज पता है उनकी क्या है, समस्या क्या है, एजुकेशन बच्चे की। ढंग के स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है। इसलिए मैंने बच्चों का टॉपिक छेड़ा। आज गुड़गांव में क्या है, क्या कौन से एजुकेशन माध्यम नहीं है, चाहे आप डीपीएस ले लो, कोई भी सेंट जेवियर्स, कोई भी एक्स वाई जेड स्कूल ले लो, आपके बच्चे को एक छोटा सा टेक्स्ट क्लियर करना है और आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। यार जहाँ पे बेसिक मुद्दे क्लियर होते हैं उसके लिए आदमी कहाँ आएगा। आज साउथ दिल्ली के आदमी के लिए क्या 5-10 करोड़ बड़ी बात आप बताओ? नहीं है, नहीं है ना। चलो कुछ तबका मैं मानता हूँ नोएडा में जाता है, कौन तबका जाता है, वो भी वेस्ट दिल्ली का जाता है, साउथ दिल्ली का कोई आदमी नहीं जाता। अगर जाता है तो वो 1% जाएगा, बिल्कुल ठीक है, नहीं तो 99% आदमी आता है गुड़गांव, चाहे तो उसकी चाहे तो प्राइमरी शिफ्ट होगा। आज तो लोग प्राइमरी शिफ्ट होते हुए देख रहा हूँ मैं, गुड़गांव सोना पहुंचने लग गए अब तो काफी लोग, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि कनेक्टिविटी सीधी एनएचएट से सीधा सोना ही पहुंचता है। गुड़गांव का तो जब आप चलते हो पता ही नहीं चलता कि गुड़गांव आया है। अब हमारे परिवार में कोई महिपालपुर रहता है, उनके बच्चे जीडी गोयन का पढ़ने आते हैं सोना, बताओ यूनिवर्सिटी। तो ये एक चीज देखनी है, कोई आदमी कहता भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं मानता हूँ मार्केट इज वोलेटाइल, मार्केट में एक स्टेज आता है ऐसा आता है स्टेग्नेशन आती है, एक स्टेज ऐसा आता है नीचे होती है, फिर वो ऊपर जाके जब वो ग्रोथ स्टोरी क्रिएट होती है तो वो सब कुछ कवर कर देता है, ठीक है। तो एक जैसी तो नहीं चलेगी वो, बट ऑब्वियस है, पर उसका पता किसी को नहीं कि स्टेग्नेशन के स्टेज कब आएगी। बट आज की सप्लाई देखते हुए, आज का रेरा का देखते हुए मुझे, ठीक है भाई मैं मानता हूँ 10% लीकेज है, सिस्टम में ही लीकेज है, खाली रेरा में लीकेज नहीं है, पूरे सिस्टम में ही लीकेज है, बिल्कुल ठीक है, चाहे वो टीसीपी हो, चाहे वो डीटीपी हो, चाहे वो जीएमडी हो, चाहे कहीं पे भी, टोटली है 10% उसमें लीकेज है, ठीक है, बट 90% फिर भी क्लैरिटी है लोगों को। और आज तो यार आपने ये देखे होंगे सुमित भाई, जो प्रोजेक्ट बंद थे एनसीएलटी में चले गए, अब वो 70-80% तो वो भी आने लग गए, प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो लोग रिकवर हो रही है ना, लोगों की पूंजियां, लोगों को फायदा मिल रहा है उन चीजों का, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, हाँ महंगी जरूर हो सकती है यहाँ से, आपको अपने टिकट साइज के हिसाब से, आपको अपने बजट के हिसाब से चीजें प्लान करनी चाहिए, अपने कंसल्टेशन से, आप कंसल्टेशन ले, चाहे आपसे ले, चाहे किसी से भी ले, चाहे मुझसे, किसी से भी ले, एक्स वाई जेड सबसे ले, बट आप जहाँ एक, अगर आपका 1 करोड़ बजट है ना, उस आदमी को 1.5 करोड़ 2 करोड़ जिसका बजट है उसको कंसल्टेशन की ज्यादा जरूरत है, बल्कि वही लोग 5-10-20 हजार रुपए बचा रहे हैं उन्हीं को नहीं बचा रहे। फीवर हो जाएगा ना, बगैर डॉक्टर के दवाई नहीं लेंगे, लेनी भी नहीं चाहिए है। और जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी बनाने में और उसको अच्छी जगह लगाने में वो 5-10 हजार रुपए देख लिया, तो फिर उस चीज का फायदा क्या? तो वो क्या, क्योंकि ये पूरी पूंजी जाने में टाइम नहीं लगता भाई, टाइम नहीं लगता। तो आप ये भी चीजें करनी चाहिए, किसी ट्रैप में आप किसी चीजों में ना आए, आप वाइसली डिसीजन ले चीजों को थोड़ा सा। हम लोग कोई भी चीज किसी भी चीज को करते हैं तो एनालिसिस के साथ प्रॉपर ट्रैक करके ही करते हैं, ठीक है। अब भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, भगवान आप भी नहीं हो, हम लोगों की भी इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जाती है कुछ, क्या भाई जो
टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाई, उसमें टाइम लगता है, ठीक है या नहीं बढ़ पाई, करंट का तो देखो किसी का, हमें अपनी लाइफ का नहीं पता, तो बट हाँ हम लोग मैक्सिमम अपने एक्सपर्टीज के साथ कोशिश जरूर करते हैं। बिल्कुल कोशिश, देखो जो चीजें चल रही है उसके अंदर क्या है बेटर, उस चीज को देखते हुए हम बेटर इन्वेस्टमेंट दे पाते हैं। तो अरविंद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और हमारे सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर को काफी अच्छी नॉलेज आपने दी, तो थैंक यू सो मच अरविंद भाई। उम्मीद करता हूँ सुमित भाई कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा, आपके व्यूअर्स की नॉलेज भी जो मेरे को आता है जितना मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। और बाकी इस चैनल पे आप लोग, मैं सुमित भाई के माध्यम से कहना चाहता हूँ कम से कम 100 कमेंट करो आप लोग, ठीक है, सुमित खरब पॉडकास्ट 2 करके 100 अगर आप लोगों ने कमेंट किए तो हम लोग दोबारा एक बार जरूर बैठेंगे नए टॉपिक, और साथ साथ आप टॉपिक्स भी डाल सकते हो कि किस टॉपिक्स पे डिस्कशन होनी चाहिए, हम लोग क्लैरिटी के साथ आपके सामने दोबारा से बैठेंगे और कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और टॉपिक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे, आज भी हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे बात की, आगे भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीजें स्टार्ट करें क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बट जो ऑडियंस चाहती है हमारी कि वो क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। थैंक यू अरविंद भाई, थैंक यू सो मच।